Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel and you are watching a new session of Foreign Information hashtag FYI जहां आज हम नजर डालेंगे 4 मई के इतिहास पे। जी हाँ, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ 4 मई और इसी डिस्कशन में बनी हुई है हिस्ट्री गुरु हमारे साथ, जिनसे करेंगे हम बात, देखेंगे क्या था खास, क्या था इम्पोर्टेंट जिसको रखना है हमें याद। तो जल्दी से बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। यस, द फर्स्ट इवेंट 4 मई 1980 वॉज द ईयर व्हेन कोल माइंस डे वॉज अनाउंस। बिल्कुल कोयले से जुड़ा हुआ ये दिन है, कोल माइंस डे का अनाउंसमेंट हुआ था। तो कहीं ना कहीं कोयले की खदानों से रिलेटेड ये दिन कहीं अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। लेट्स प्रोसीड टू द बर्थडे पार्ट और देखते हैं, जानते हैं बर्थडे के बारे में मैम का क्या कहना है, जिसमें की फर्स्ट पर्सनैलिटी हमारे पास है कुणाल बासु की। कुणाल बासु 1956 was the year, 4th May was the date when he was born. तो बिल्कुल पूछते हैं मैम से कि मैम कौन थे ये? जी हाँ, कुणाल बासु, बासु टाइटल से ही आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ के हैं। जी हाँ, he was from Kolkata, he was born and brought up in Kolkata and he was an Indian English fiction writer. बोल सकते हैं fiction books की बात करें तो उन्होंने 5 fictions book लिखी हैं, जिसमें ये मतलब बहुत ही सारे के सारे fictions book इनके बहुत ही famous रहे हैं। एंड ही वॉज अ फेमस पर्सनैलिटी, समझ में आ गया, ही वॉज अ पोएट। पोएट डेफिनेटली, दैट मीन्स लिटरेचर से जुड़े हुए। कुणाल बासु जी का जन्म हुआ था 4 मई 1956 के दिन। तो चलिए लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पर्सनालिटी, सिद्धार्थ महापात्रा। 1966 वॉज द ईयर, 4th मई वॉज द डेट व्हेन ही वॉज बॉर्न। तो मैम से जानते हैं कौन थे ये? जी हाँ, ये उड़िया फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, बोल सकते हैं ही वॉज अ उड़िया फिल्म एक्टर, एज वेल एज बोल सकते हैं ये पॉलिटिक्स से भी जुड़े हैं। ये उड़ीसा स्टेट में काफ़ी फेमस है एज एन उड़िया, मतलब उड़ीसा की पॉलिटिक्स से ये रिलेटेड हैं, तो वहाँ के लोग इन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, एज वेल एज ये उस इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं वहाँ के। दैट मीन्स फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उड़िया से, उड़ीसा के हैं, एक उड़िया फिल्म एक्टर कह सकते हैं इनको, या तो फिर उड़िया पॉलिटिशियन भी कहा जा सकता है। तो सिद्धार्थ महापात्रा जी का भी जन्म हुआ था 4 मई 1966 को। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट और देखते हैं किसकी पुण्यतिथि होती है, किसका देहांत हुआ था आज ही के दिन, जो कि है 4 मई। सो यस, द पर्सनैलिटी हु डाइड इज टीपू सुल्तान। 1799 वॉज द ईयर, 4th मई वॉज द डेट वेन टीपू सुल्तान डाइड। और टीपू सुल्तान की अगर हम बात करें तो बिल्कुल एक जाना माना नाम है, पर बाकी की डिटेलिंग जानेंगे मैम से। जी हाँ, टीपू सुल्तान, मॉडर्न हिस्ट्री की बात की जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री में इनका एक बहुत ही अहम हिस्सा है, एज वेल एज टीपू सुल्तान को हम और भी दूसरे नामों से जानते हैं, टाइगर ऑफ मैसूर, एज वेल एज टीपू साहेब के नाम से ही जाने जाते हैं, और ये हैदर अली के बड़े बेटे थे। तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़ी हुई पर्सनालिटी का देहांत हुआ 4 मई 1799 के ही दिन। सो लेट्स प्रोसीड विद द क्वेश्चन आंसर्स नाउ, और क्वेश्चन आंसर्स डेफिनेटली टारगेट करेंगे आपके एसएससी सीजीएल लेवल के एग्जामिनेशन क्वेश्चंस को। तो लेट्स लुक अपॉन टू द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज हियर राइट नाउ ऑन द स्क्रीन। हु लेड कल्चरल रेवोल्यूशन इन चाइना, चीन में सांस्कृतिक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए माओ ज़ेडुंग, बी लेनिन, सी डेंग क्सियाओपिंग, या फिर डी नन ऑफ दिस। सो डेफिनेटली हियर इज द आंसर, ऑप्शन नंबर ए माओ ज़ेडुंग। तो चीन में सांस्कृतिक क्रांति या तो फिर कल्चरल रेवोल्यूशन इन चाइना की बात करें सो इसका नेतृत्व किया था माओ ज़ेडुंग ने। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक द इकोनॉमिक डॉक्ट्राइन ऑफ कार्ल मार्क्स। द इकोनॉमिक डॉक्ट्राइन ऑफ कार्ल मार्क्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए फॉरियर, बी जी डी एच कोले, सी बर्डस्टेन एंड डी कॉस्की। सो डेफिनेटली हियर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी कॉट्स्की। दैट मीन्स द इकोनॉमिक डॉक्ट्राइन ऑफ कार्ल मार्क्स की अगर हम बात करें सो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत वैसे भी बहुत फेमस हैं, तो इकोनॉमिक डॉक्ट्राइन ऑफ कार्ल मार्क्स लिखी गई थी कॉट्स्की द्वारा। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द बुक व्हाट इज प्रॉपर्टी। निम्न में से कौन पुस्तक व्हाट इज प्रॉपर्टी के संबंधित है? ऑप्शन ए प्राउडन, बी मार्क्स, सी लेनिन, या फिर डी माओ। सो यह इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए प्राउडिन, या तो फिर हिंदी में अगर कहें तो प्रूधो। तो निम्न में से अगर किसी पुस्तक की बात की जाए जो कि है व्हाट इज प्रॉपर्टी, तो इससे संबंधित है प्रूधो या तो फिर प्राउडिन। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक द पॉलिटिक्स एंड द सोशल डॉक्ट्राइन ऑफ फासिज्म वॉज रिटन बाय। पुस्तक द पॉलिटिक्स एंड सोशल डॉक्ट्राइन ऑफ फासिज्म किसके द्वारा लिखी गई थी? ए मेटाकक्स, बी मुसोलिनी, सी रोसेटा, या फिर डी टोगो। सो डेफिनेटली आज बुक्स एंड ऑथर्स पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस रिलेटेड हैं, तो इस क्वेश्चन के आंसर की अगर हम बात करेंगे सो ऑप्शन नंबर बी मुसोलिनी के द्वारा लिखी गई थी द पॉलिटिक्स एंड सोशल डॉक्ट्रिन ऑफ फासिज्म। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन,
सलाजर वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ विच नेशन? सलाजर किस देश के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन ए पोर्टुगल, बी जर्मनी, सी स्पेन या फिर डी रशिया। सो हियर इज द राइट वन, ऑप्शन नंबर ए पोर्टुगल, दैट मीन्स पोर्चुगीज थे। तो ये सलाजर की अगर बात की जाए तो सलाजर राष्ट्रपति रहे हैं पोर्टुगल के। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेन कांफ इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, मेन कांफ किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए हिटलर, बी रस्किन, सी मुसोलिनी या फिर डी स्टालिन। इसका आंसर सबको पता ही होगा, काफ़ी फेमस बुक है। जी हाँ, हिटलर द्वारा लिखी गई ये बुक है। और देखिए, आज के जितने भी हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन है ये सारे के सारे कहीं ना कहीं वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। तो ये कहीं ना कहीं सीजीएल में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, बिकॉज नो वन इज अवेयर अबाउट कि क्या या फिर कैसा क्वेश्चन आने वाला है। डेफिनेटली, तो मेन काम की बात हम यहाँ कर रहे थे, तो हिटलर के द्वारा लिखी उसकी खुद की ही आत्मकथा है। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Essay on Indian Economy was written by which one of the following? Essay on Indian Economy किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए एम जी रानाडे, बी जी के गोखले या फिर सी एम सी एम के गांधी या फिर डी ए आर देसाई। हियर इज द राइट आंसर, एम जी रानाडे। सो अगर बात की जाए Essay on Indian Economy बुक की, तो इसको लिखा था एम जी रानाडे ने। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन डेलिबरेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख विमर्शी अंग कौन सा है? ऑप्शन ए द जनरल असेंबली, बी द सिक्योरिटी काउंसिल, सी द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या फिर डी द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सो हियर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए द जनरल असेंबली, महासभा जिसको हम कहते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस का एक विमर्शी अंग या तो फिर मेन डेलिबरेटिव ऑर्गन कहलाएगा द जनरल असेंबली, दैट इज महासभा। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who wrote the book War and Change in World Politics 1981? War and Change in World Politics 1981 में किसने लिखी थी? ऑप्शन ए रॉबर्ट गिल्पिन, बी कार्ल डब्ल्यू डेसच या फिर सी अलेक्जेंडर वेंडेट या फिर डी इमैनुअल वॉलरस्टीन। वॉलस्टीन डेफिनेटली, तो आंसर की बात है तो स्क्रीन पे बिल्कुल आ चुका है ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट गिल्पिन। रॉबर्ट गिल्पिन ने वॉर एंड चेंज इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स के नामक एक पुस्तक लिखी थी। Let's proceed to the last question. Who argues that the security dilemma is more acute among groups? कौन कहता है कि सुरक्षा द्वंद समूहों के बीच स्वाभाविक है? ऑप्शन ए जॉन हर्ट्स, बी केनेथ वर्ट्स, सी रॉबर्ट कॉक्स या फिर डी माइकल मैन। सो हियर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए जॉन हर्ट्स। तो जॉन हर्ट्स का कहना था कि सिक्योरिटी डिलेमा इज मोर एक्यूरेट अमंग ग्रुप्स, मतलब सुरक्षा द्वंद समूहों के बीच स्वाभाविक है। इसी के साथ वील एंड अप द सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन बिफोर गेटिंग ऑफलाइन। कमेंट्स करके बिल्कुल बताइए फॉर इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लग रहा है। एंड द न्यू व्यूवर्स डू शेयर द लिंक एंड गेट आर चैनल सब्सक्राइब टू गेट द इजी एक्सेस ऑफ द अपकमिंग वीडियोस। फॉर इन्फॉर्मेशन के नए सेशन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए एंड येस डू नॉट फॉरगेट योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू सो मच।